नई दिल्ली, यह उनका जन्मदिन था और 107 वर्षीय एक इच्छा थी, वह राहुल गांधी से मिलना चाहती हैं। कांग्रेस के 47 वर्षीय मुखिया, उनकी भव्य बेटी, जिन्होंने बातचीत को ट्वीट किया, ने यह भी बताया कि किम उनकी कलरव के साथ चंदन की लड़की का फोटो था और राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को टैग किया गया था। कुछ घंटों के भीतर ट्वीट को एक प्रतिक्रिया मिली और यह पीडी से नहीं था, श्रीमती गांधी के पालतू कुत्ते थे। कांग्रेस प्रमुख ने छोटे संदेश पर हस्ताक्षर किए, उनकी इच्छाओं और एक बड़ा गले लगाने का संदेश दिया। बाद में शाम को एमी सिकंद ने एक और बिट समाचार को ट्वीट किया। श्रीमती गांधी ने कहा, उन्होंने अपनी दादी को बुलाया और शुभकामनाएं दी। उसकी कलरव ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके मंत्रियों के एक वर्ग की तुलना में राहुल गांधी ट्विटर के लिए अपेक्षाकृत नए प्रवेशक रहे हैं, लेकिन तेज ट्वीट्स के उनके बाड़ा ने एक हलचल पैदा कर दी है। अपने विरोधियों को निर्देशित एक पोस्ट में 47 वर्षीय ने दावा किया था कि उनके पालतू कुत्ते पीडी ट्वीट्स के लिए जिम्मेदार थे। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कई नेताओं से जुड़े भाजपा में खोदले और इस अवसर पर उनके हितों का पता लगाया, जैसे कि उन्होंने खुद को एकीडो का अभ्यास करने की तस्वीरें जारी की, जापानी मार्शल आर्ट का एक रूप। सोशल मीडिया पर पहुंचना, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को लोगों से ज्यादा सम्मान और स्नेह मिले हैं, नेता के लिए सबसे पहले, जिन्होंने हाल ही में अपनी मां सोनिया गांधी से कांग्रेस का प्रभार संभाला था।